गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो चलिए हम हिंदी में आज हम बड़ी ई की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। बड़ी की मात्रा कैसे लगती है अक्षर पर उसको हम देखेंगे। अभी तक बच्चों हमने आपको वर्णमाला, दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले, चार अक्षर वाले, आ की मात्रा और उसके बाद जो है ई की छोटी की मात्रा पढ़ाई। आज हम अब आते हैं हम बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ा जाता है, चलिए हम आज देखते हैं। ये हा है, हा में बड़ी ई की मात्रा लग गई तो क्या हुआ, ही। क्या हुआ बच्चों, ही। तो बड़ी ई की मात्रा हा में लग गई तो क्या हुआ, ही। और बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद में ही लगती है, छोटी की मात्रा अक्षर के पहले लगती है। अब आते चा, चा में बड़ी की मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे हम, ची। अब ठा, ठा में बड़ी की मात्रा हमने लगा दी तो हम क्या पढ़ेंगे, ठी। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, घा, घा में कोई मात्रा नहीं है, ड़ा, ड़ा में बड़ी की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, घड़ी। क्या पढ़ेंगे, घड़ी। उसके बाद आता है आपका ता, ता में छोटी की मात्रा लगी है, उसके बाद ता, फिर ला, ला में आपकी बड़ी की मात्रा लगी है तो छोटी की मात्रा को हम कैसे पढ़ेंगे, ति, त, ली, तितली। उसके बाद आता आपका च, च में आ की मात्रा लगी है, ब, ब में बड़ी की मात्रा लगी तो हम क्या पढ़ेंगे, चा, बी, चाबी। अब हम आगे आते हैं, मा, छ और ला, माँ में कोई मात्रा नहीं, छ में कोई मात्रा नहीं और ला, ला में बड़ी की मात्रा लगी है तो हम क्या पढ़ेंगे, मछली, मछली। अब आता आपका ता, ता में बड़ी की मात्रा लगी है और रा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, तीर, तीर। उसके बाद आगे आपका आता सा, सा में बड़ी की मात्रा लगी है, टा, टा में बड़ी की मात्रा लगी है तो हम क्या पढ़ेंगे, सीटी, सीटी। अब इसके बाद कुछ शब्द देखिए आप, दही, पसीना, दीपावली, खीर, महीना, महारानी, लीची, आरती, पिचकारी। एक बार हम इसको और देखते हैं, हा में बड़ी की मात्रा लगी तो क्या पढ़ेंगे, ही। चा में बड़ी की मात्रा लगी तो क्या पढ़ेंगे, ची। ठा में बड़ी की मात्रा लगी तो हम क्या पढ़ेंगे, ठी। उसके बाद घा, औड़ा में बड़ी की मात्रा लगी तो हम क्या पढ़ेंगे, घड़ी। और यहाँ पे ता में छोटी की मात्रा, त, फिर ला, ला में बड़ी की मात्रा तो हम क्या पढ़ेंगे, तितली। उसके बाद चा, चा में आ की मात्रा, बा, बा में बड़ी की मात्रा तो हम क्या पढ़ेंगे, चाबी। अब हम आते हैं आगे, मा और छ और ला में बड़ी की मात्रा तो क्या पढ़ेंगे, मछली, मछली। उसके बाद ता, ता में बड़ी की मात्रा, रा तो हम क्या पढ़ेंगे, तीर। उसके बाद सा, सा में बड़ी की मात्रा, टा, टा में बड़ी की मात्रा तो हम क्या पढ़ेंगे, सीटी। और ये शब्द लिखे हुए हैं, दही, बड़ी की मात्रा के शब्द, दही, पसीना, दीपावली, खीर, महीना, महारानी, लीची, आरती, पिचकारी। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, चित्रों को पहचान कर पूरे कीजिए।
ये देखिए, चित्रों को पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। ये आपके चित्र बने हुए हैं और यहाँ पे अधूरे शब्द लिखे हैं, इसको आपको पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, किस चीज़ का चित्र बना है? तो यहाँ पे आपको लिखनी मछली। ल में काहे की मात्रा लगेगी? बड़ी की। तो यहाँ पे आपको मछली, ये आपका। और ये क्या बना हुआ है? तीर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ता। ता में बड़ी की मात्रा, तो क्या होगा? तीर। ये आपका तीर हुआ। अब आइए, दिए गए वर्णों में ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। दिए गए वर्णों में ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। तो ये आपकी मात्रा लगा करके वर्ण दिए गए हैं, इनको आपको जोड़कर शब्द बनाना है। ड, ड में आ की मात्रा, ल, ल में बड़ी की मात्रा आपको लगानी है, तो आप क्या लिखेंगे? डाली। यहाँ पे ये शब्द बन गया आपका डाली। अब आया आपका म, म में आ की मात्रा लगी हुई है, और ल, ल में बड़ी की मात्रा नहीं लगी है, तो क्या पढ़ेंगे हम? माली। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माली। ठीक, एक एक्सरसाइज और देखिए आप। चित्रों की सहायता कीजिए। देखिए, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको ये किस चीज़ का बना हुआ है चित्र? तीर। तो आपको यहाँ पे गीता तीर चला, गीता तीर चला यहाँ पर। उसके बाद देखिए रवि, ये क्या बना हुआ है? मछली। ल में काहे की मात्रा लगी है? बड़ी की। तो आपको यहाँ पे लिखना है मछली। मछली मत पकड़, रवि मछली मत पकड़। इस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है, चित्रों को पहचान कर शब्द पूरे कीजिए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, चित्रों को पहचान करके शब्द पूरे कीजिए। तो आपने चित्र बना था तो अब ये अधूरा था, तो आपने इसमें ला, ला में बड़ी की मात्रा लिखा, तो ये मछली हुआ। ये चित्र बना हुआ था तो आपने यहाँ ती लिखा, तब में बड़ी की मात्रा लगाकर, तो ये तीर हुआ। अब चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। ये चित्र बने हुए हैं तो आपको एक एक शब्द जहाँ खाली स्थान है वहाँ चित्र देख करके वही अक्षर वही शब्द आपको लिखने हैं। जैसे गीता तीर चला, रवि मछली मत पकड़, रवि मछली मत पकड़। अब हम आपको ये एक्सरसाइज आपके बुक में दी हुई है, आपको बुक में ही फील करना है। चलिए हम इसको भी पढ़ते हैं और वाक्य हम पढ़ेंगे और समझेंगे। दीपावली का दिन था, गीता घर की सफाई कर रही थी।
थी, मीना दीपक जला रही थी, नीता आरती कर रही थी, मीना पटाखा जला रही थी, निशी खील की थाली लाई, मामी खील खा रही थी, नानी बाजार से रबड़ी लाई, अनीता पीली साड़ी पहन कर आई, दीपक नई कमीज पहन कर आया, दीपावली की रात बड़ी अच्छी बीती, तितली आई सजीली तितली आई, कली पर तितली आई, डाली डाली उड़ती आई, सीता तितली पकड़ रही थी, बिजली भी चमक रही थी, हवा भी चल रही थी, तितली उड़ गई, तभी रानी भागी भागी आई, तितली उड़ती चली गई। ये आपकी सब बड़ी की मात्रा वाले वाक्य हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा अच्छे से, और एक्सरसाइज भी ये बुक में ही फील करिएगा और कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से इसको लर्न करिएगा, बड़ी की मात्रा तक आप सभी को आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।